बस्ती में छात्र संघ चुनाव स्थगित होने पर छात्रों ने काटा बवाल। बस्ती जिले के दो विद्यालयों में छात्र संघ चुनाव 20 नवंबर को होने वाला था, जो टाल दिया गया। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मीडिया के माध्यम से बयान जारी करते हुए कहा कि वीआईपी मूवमेंट में पुलिस फोर्स मांगी गई है, ऐसे में बाहर पुलिस फोर्स भेजने के बाद छात्र संघ चुनाव कराना मुश्किल काम है, इसलिए छात्र संघ चुनाव को स्थगित किया जा रहा है और जल्द ही चुनाव की अगली तारीख घोषित कर दी जाएगी। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन छात्रों से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए छात्रों से अपील भी की। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के सभी जिले में छात्र संघ चुनाव स्थगित कर दिया गया है। कानून व्यवस्था के दृष्टिगत से शासन ने निर्णय लिया। शासन का मानना है छात्र संघ चुनाव नगर निकाय चुनाव तक स्थगित रहेगा। जिलाधिकारी ने नगर निकाय चुनाव होने के बाद छात्र संघ का चुनाव कराने की बात कही, ऐसे में छात्रों के बीच मायूसी छा गई। देर रात तकरीबन 2 बजे के आसपास से छात्र नेताओं ने जिलाधिकारी के आवास के पास धरने पर बैठ गए। सुबह पुलिस छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले आई। पुलिस और छात्रों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आपको हम बताते चले, बस्ती जिले के मुख्यालय पर स्थित किसान महाविद्यालय और APNPG कॉलेज में 20 नवंबर को छात्र संघ चुनाव होने के लिए मतदान होना था। चुनाव नियत तिथि पर कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी बंगले पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। कुछ छात्रों को पुलिस लाइन में लाकर नजर बंद कर दिया गया। इसी दौरान एक छात्र नेता की अचानक तबीयत बिगड़ने व बेहोश हो जाने की खबर मिली। छात्र नेता को अस्पताल ले जाने के लिए तत्काल प्रशासन द्वारा वाहन मुहैया न कराए जाने पर छात्रों ने बवाल काटा और पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन चुनाव को स्थगित करने के लिए क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। गेट पर प्रदर्शन चल रहा है, क्या मामला है? देखिए, छात्र संघ चुनाव जो है हमारे यहाँ दो महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की मांग थी कि कराए जाए, उसको दृष्टिगत रखते हुए कुछ तिथियां घोषित की गई थी, लेकिन अचानक से वीआईपी मूवमेंट में फोर्स के मांग ले जाने के कारण हमारे यहाँ फोर्स की इन तिथियों में अनुपलब्धता है और साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इस चुनाव को अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित किया जा रहा है। और यही मैं विद्यार्थियों को आश्वासन दूंगी कि यह स्थगित किया जा रहा है, शीघ्र ही जो है वो इसको कराया जाएगा। अतः आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें और नियमों का अनुपालन। उनका रात से आरोप है कि पॉलिटिकल इशारे से ये सब किया जा रहा है। नहीं, पॉलिटिकल जैसे कि मैंने बताया कि वीआईपी मूवमेंट में हमारे जनपद से फोर्स मांग ली गई है, तो फोर्स की मेरे पास अनुपलब्धता है, तो कानून, इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति। छात्र संघ चुनाव में देखिए, छात्रों
फोर्स की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि फोर्स उपलब्ध नहीं है अभी हमारे पास, इसीलिए हम इसको स्थगित कर रहे हैं और अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित कर रहे हैं, उसको शीघ्र ही कराया जाएगा, चुनाव की डेट की प्रक्रिया चुनाव के आगे की डेट उसको आगे घोषित किया जाएगा।